फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ वी सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से जो बीएससी नर्सिंग पार्ट फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, उनका आज केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट एग्जाम है, उनका मैं फिर से आंसर लेकर आई हूँ। गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स आप लोग के लिए, फिर से आपको केमिस्ट्री के आंसर मिल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आंसर लेकर के आई हूँ मैं। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चंस पहले बता देती हूँ कि मैं कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप पर देख रहे हैं कि सभी पांचों प्रश्न के उत्तर दीजिए, जो आपका फर्स्ट यूनिट में जो पांच क्वेश्चन है उसके सभी में से पांच देना है, और जो इकाई वाला क्वेश्चन है उसको आपको अटेंड करना है, अथवा भी है उसमें। तो चलिए देखते हैं, यूनिट यूनिट फर्स्ट का इसमें पांच क्वेश्चन है, सबको अटेंड करना आपको ज़रूरी है। तो मैं कौन कौन से आंसर बताने वाली हूँ, ये फर्स्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये संकेत का अर्थ है, ठीक, ये वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और उसका उपयोग कब करते हैं, फिर पाउली का अपवर्जन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, निम्नलिखित को कैसे सिद्ध करेंगे, ये आंसर भी आपको मिल जाएंगे। फिर जो प्रभावी नाभिकीय आवेश तथा आवरणी प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इसका भी आंसर आपको मिल जाएंगे। फिर अणुओं के बंध कोण किस प्रकार इलेक्ट्रोनेगेटिव से प्रभावित होते हैं, ये भी मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन के आंसर। क्या यह संभव है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के निश्चित पथ को परिभाषित किया जा सकता है, अपने उत्तर की पुष्टि के लिए इस आधार पर आधारित सिद्धांत को समझाएं, ये भी मिल जाएंगे। समझाएं कि इलेक्ट्रॉन्स का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है, ठीक, तो ये आंसर भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो है पांच लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पांच लिखना है, चार जो है आपको दिया गया है और पांचों लिखना है, पांचों में अथवा भी है आपका। फिर देखते हैं यहाँ पे ये वाली क्वेश्चंस है, आपको जो क्वेश्चंस मिलते जा रहे हैं वो पांच आप लिख लीजिएगा, या तो अथवा का लिख लीजिएगा या तो पहले वाले को लिख लेना। फिर देखते हैं यूनिट सेकंड, ठीक है, इकाई टू यूनिट सेकंड, इसमें त्रिज्या अनुपात नियम, यदि धनायन की त्रिज्या 0.95 a तथा ऋणायन की त्रिज्या 1.81 अंश हो तो आयनिक क्रिस्टल के सीमांत त्रिज्या अनुपात की गणना कीजिए तथा समन्वय संख्या बताइए, तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएंगे। ये भी मिल जाएंगे, धातु अधिक के दोष से उत्पन्न अर्धचालक तथा एफ केंद्र के व्याख्या कीजिए, ये आंसर मिल जाएंगे। फिर ये जो विलेयता वाले क्वेश्चंस हैं उसका भी आंसर मिल जाएंगे आपको। और ये धातुओं के आयनिक विभव से उनके ऑक्साइड की अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, इसका भी आंसर मिल जाएगा। फिर निम्नलिखित के कारण दीजिए, तो यहाँ पे कुछ कुछ के कारण आपको मिल जाएंगे। अधिक आवेशित धनायन तथा ऋणायन से बने यौगिक जल में अविलेय हैं, इसका क्या कारण है आपको लिखना है। फिर और ये रंग में सफ़ेद AGI पीले रंग का हो जाता है, ये भी आपको बनाना है, इसका भी आंसर मिलेंगे। अतिव्यापन पट्टी तथा रुकावट पट्टी में क्या अंतर है, ये भी मिल जाएंगे। ऋणायन से बड़े गोले के संकुचन से बनने वाले छिद्रों की व्याख्या कीजिए, व्याख्या चित्र सहित कीजिए, तो ये भी मिलेंगे आपको। सोडियम क्लोराइड वाला भी मिल जाएगा। फिर जो यूनिट थ्री है, आपको मैं यूनिट वाइज तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आपका आंसर इधर उधर हो जाएगा, तो आप उसको पहले क्वेश्चन से मैच कर लीजिएगा, फिर आप लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा सही है, जब जो बंध है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और संकरित कक्षक इस ये वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। परमाण्विक कक्षकों के प्रभावी अतिव्यापन संयोग, ठीक, तो ये वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे। 3C2E बंध क्या है, ये क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। अणुओं की आकृति पर केवल युग्म के प्रभाव को NH3H2 तथा HF का उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है, तो ये आंसर भी आपको मिल जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन अणुओं के आणविक कक्षक चित्र में क्या अंतर है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। कम से कम आप पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। त्रिभुजीय द्वि पिरामिडी संरचना में पांचों संकरित कक्षक समान नहीं होते हैं, ये आंसर देखते हैं कि कौन कौन सा आंसर आपको मिलते हैं। क्षार धातु के हाइड्रॉइड्स के प्रमुख लक्षण, ये तो मिल ही जाएंगे। फिर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन का जैविक तंत्र में क्या कार्य है, विवेचना कीजिए, तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ कैल्शियम एंड आयन एंड मैग्नीशियम आयन इज अ बायोसिस्टम डिस्कस, ठीक है। निम्नलिखित के कारण दीजिए, नाइट्रोजन एवं विस्मत
पेंटो हैलाइड नहीं बनाते, ये आपको मिल जाएगा। फिर IF7 बनता है लेकिन क्लोरीन F7 नहीं। ठीक, तो ये देखते हैं है कि नहीं है हमारे आंसर में। और अथवा में और है, आयोडीन जल में घुलनशील है लेकिन पोटेशियम आयोडीन की उपस्थिति में वह शीघ्रता से घुल जाती है, क्यों? ठीक, तो उसका कारण यहाँ पे देना है, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के हाइड्रोजन के अपचायक क्षारी तथा संकुलन प्रकृति को समझाइए। तो एस ब्लॉक तत्वों के अल्काइड अरायल पर टिप्पणी लिखिए, निम्नलिखित के कारण स्पष्ट कीजिए। उत्कृष्ट गैसों के प्रथम आयनन विभव उच्च होते हैं, अक्रिय गैस एक परमाणवी होती है, और यहाँ पे अणु के संकरण का प्रकार बताते हुए संरचना आकृति बनाएं। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे यहाँ पे। गुणात्मक विशेषण में बफर विलयन की क्या उपयोगिता है? उत्कृष्ट गैसों के निम्न परिस्थितियों में यौगिक का निर्माण करती है, किन्हीं दो विधियों को समझाइए। नियॉन और ऑर्गन के प्रमुख दो उपयोग, सॉरी प्रमुख उपयोग लिखिए। तो ये क्वेश्चंस के आंसर, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं बताने वाली हूँ। आपका पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा मार्क्स इस वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएंगे। इस 10 मिनट के वीडियो में आपका जो है केमिस्ट्री का पूरा पेपर सॉल्व हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे आंसर को। तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से आपको 3 फायदे हैं। फर्स्ट कि इसमें आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। सेकंड कि इसमें वैकेंसी से रिलेटेड भी न्यू अपडेट नोटिफिकेशन ऑल इंडिया में, ठीक है, ऑल स्टेट के आपको मिल जाएंगे। साथ में जो मेडिकल और पैरामेडिकल पोस्ट वाले हैं उसका भी, लैब टेक्नीशियन, एमटेक और माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे जो हैं उन लोगों का भी मिल जाएंगे यहाँ पे वैकेंसी। और साथ में इसमें नोट्स भी मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर सारे आंसर चाहिए, सारे सब्जेक्ट के आंसर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जल्दी से आंसर मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का क्वेश्चन का आंसर है, केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, हमारा जो है आंसर मिल गया है, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं। तो आप जो है क्वेश्चन पेपर से आप मिला लीजिएगा, और जो मेरा आंसर है वो इधर उधर हो सकता है, तो आप एक बार क्वेश्चन देख कर के मिला के लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ आंसर आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है अक्रिय गैस एक परमाणु होते हैं, उसको सिद्ध करना है, उसका आंसर है यहाँ पे, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में है। फिर और देखते हैं, ये उत्कृष्ट गैस वाला भी क्वेश्चन है आपके, तो ये इसको मिला लेना कि आपका आंसर है कि नहीं। फिर देखते हैं आगे, और यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चंस भी है आपके में, ठीक है, 3C2E बंध, ठीक है, ये हेडबर्ग और सुमेकर जो है इसका भी क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में है। तो आपको इसको पूरा डाइबोरिन में सेतु बंध, ये आपको पूरा क्या है बनाना है आपको पूरा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रही आपके दूसरी क्वेश्चंस के आंसर। आपका एक और क्वेश्चन था ये वाला कि कारण सहित समझाइए कि प्रकृति में अक्रिय गैस एक परमाणविक होते हैं। तो ये है एक परमाणविक जो गैस है, उत्कृष्ट गैस है, वो एक परमाणविक होते हैं, उसको समझाने का ये पूरा आपका आंसर है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। फिर जो आपको उपयोग लिखना था नियॉन और ऑर्गन का, तो यहाँ पे है नियॉन का उपयोग, यूजेज ऑफ नियॉन, यूजेज ऑफ ऑर्गन, ठीक है। तो ये है यूजेज ऑफ नियॉन और ऑर्गन फ्रेंड्स। फिर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो ये है उसका आंसर ये पूरा है, आप इसको पूरा लिख सकते हैं, एक लाइन एक एक पॉइंट अच्छे से, और इसको पॉइंट पॉइंट में बनाकर लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर लिखिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर है आपके। फिर जो आपके क्वेश्चन आए होंगे, अगर आपके वितरण नियम आए होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, तो उसमें आप इसको लिख लेना। फिर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी का एक और आंसर है यहाँ पे, थोड़ा सा ब्लर है, इसको भी देख लीजिए, थोड़ा अलग है ये, यहाँ से आप लिख लेना पूरा। फिर जो आपका जिनान वाला क्वेश्चन था, संकरण पिरामिडिक्स, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप क्वेश्चंस, ठीक है, ये उसका आंसर ये है, यहाँ पे पूरा संरचना के साथ बना हुआ है, आपको चित्र भी दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको पूरा बना लेना, आप इस ये है उसका क्वेश्चंस, यहाँ पे आपको बनाना था ये वाला, तो एक बार मैच कर लेना आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन है कि नहीं। फिर ये
ठीक है, ये वाला जो है आपका पेंसिल से मार्क्स है यहाँ पे, ये भी आपके क्वेश्चंस पे है, तो इसको भी देखना आप और इसको भी लिखना अच्छे से। क्वेश्चंस भी है आपका, ये फंक्शन इन बायोसिस्टम और बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी है आपके, मैग्नीशियम और कैल्शियम और कोई कोई आयन का और है, ठीक है, तो उसको भी लिख लेना आप। फ्रेंड्स ये भी देखिए कि ये अगर आपके क्वेश्चंस में है तो इसको भी लिखना आप, यहाँ पे पूरा देख लीजिए ये पूरा, ठीक है। और दिखाती हूँ मैं आंसर, बहुत सारे हैं अभी। तो आपका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश वाला जो क्वेश्चन है उसका जो है ये आंसर है, आगे और है इसका आंसर, आपको यहाँ तुरंत नहीं मिलेंगे तो एक आध पेज बाद भी मिल सकता है आंसर, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो आंसर है वो आगे पीछे है, तो एक बार पहले मिला लेना फिर लिखना, और वीडियो को सबके पास ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये आपके लिए नहीं सभी के लिए बनाया गया है ये वीडियो, और सभी लाइक भी करना इस वीडियो को ताकि आपको नेक्स्ट डे के आंसर भी और मिल सके। फिर जो पावली के अपवर्जन नियम, ठीक है, ये है वो पावली के अपवर्जन नियम का सिद्धांत, यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल सहित आपको दिख रहा है ये पावली का, और इधर भी है यहाँ पे पूरा, तो ये है उसका आंसर, पाउली के अपवर्जन नियम का महत्व भी है यहाँ पे ये। फिर उदाहरण भी है, फिर देखते हैं आगे, तो उत्कृष्ट गैसों का रसायन, उत्कृष्ट गैसों वाला आपका जो क्वेश्चन है उसमें इसमें आप लिख सकते हैं, और एक और क्वेश्चन है उत्कृष्ट गैसेस वाला, वो भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ से देखिए पूरा, और यहाँ पे देखिए उत्कृष्ट गैसों की यौगिक आपके क्वेश्चन में है ये, तो यहाँ से आप इस चारों पॉइंट लिखेंगे, ये चारों आपको मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो दिया हुआ है, तो पे पूरा डायग्राम सहित आपको मिल रहा है फ्रेंड्स, इतना अच्छा कोई नहीं बना रहा होगा वीडियो अभी, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो, तो अपने पास बस मत रखना, सबको शेयर करना ताकि सब इसको लिख सके और सबको फ़ायदा मिल सके, क्योंकि ये पासिंग मार्क्स से भी बहुत ज़्यादा मार्क्स आपको दिला सकता है ये वीडियो आज का हमारा, ठीक है। तो फिर आपको ये तो मैंने बता दिया है क्रिप्टॉन के उपयोग, ठीक है, जीनॉन और क्रिप्टॉन के उपयोग जो है यहाँ पे। फिर जो है हमारा क्वेश्चंस ये, ठीक है, ये वाला जो अणु की संरचना एवं आकृति बनाना है यहाँ पे, तो इसका बना हुआ है ये आपके क्वेश्चन में है, और ये जीनॉन ट्रायऑक्साइड अगर होगा तो इसको भी देखिएगा एक बार यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रही, और आगे फिर यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन एंड बिस्मथ पेंटो हैलाइड नहीं बनाते, इसका भी आपको है, ठीक है, यहाँ पे ये आंसर है, ये पूरा आंसर है उसका फर्स्ट वाले का। फिर देखते हैं नेक्स्ट, जिनान वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वाला जो पेज है उसको मैच कर लेना कि आपके कौन से क्वेश्चंस का आंसर है, ठीक है, मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ कि ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है, आप इसको एक बार मैच कर लेना। इसमत वाला जो क्वेश्चन था उसका ये आंसर भी है, ये आंसर उसी का ही है, थोड़ा मैं पहले ही बोली हूँ कि आपको पेज आगे पीछे है तो मैनेज कर लेना करके, अब इतना इजीली आपको सारे आंसर ढूंढ के दे रही हूँ तो इतना तो आप मैनेज कर ही सकते हैं आगे पीछे जो है पेज। फिर ये वितरण नियम का मैंने पहले ही बता दिया था, फिर यहाँ से ये जो फर्स्ट आंसर है, फिर अगर आपके में क्वांटम संख्याओं से रिलेटेड आया है क्वेश्चन, या हाँ ये वाला तो आया हुआ है शायद ना, कि ये चुंबकीय वगैरह वाला, तो इसको आप मिला लेना और इसको आप लिख लेना पूरा यहाँ से। और ये रही बफर विलयन वाले आपके जो क्वेश्चंस है उसके आंसर, पूरा आंसर लिखना आप यहाँ से, यहाँ से आप बफर विलयन के अनुप्रयोग लिख सकते हैं, और पहले वाले में मैंने बताया बफर विलयन से रिलेटेड। फिर ये जो संरचना आपको बनाना था जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ये जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड का जो संरचना बनाना है इसका आगे भी मैंने पहले बताया हुआ है, वहाँ से आप मैच कर लेना, वीडियो एक बार पूरा देखना तभी आपको समझ आएगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा। ये क्वेश्चंस भी है आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, ये आंसर्स जो है ये वाले, तो आप इसको देखिएगा अच्छे से, यहाँ पे जूम कर देती हूँ।
में यहाँ से लिख लेना आप, मिला मैच करना, फिर लिखना आप यहाँ से पूरा, ये पूरा क्वेश्चंस है, और वास्तविक रासायनिक यौगिक का निर्माण यहाँ से पूरा है, ठीक है। ये वीडियो लाइक करना फ्रेंड्स, सबको शेयर करना और सबको कमेंट करना अगर कोई डाउट हो तो, ताकि आपको आगे पार्ट्स के और वीडियो मिल सके इजीली। तो फ्रेंड्स मैंने पूरा जो है केमिस्ट्री के आपको पूरा एक एक क्वेश्चंस के आंसर बताने का प्रयास किया है, और जो क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल पाए हैं तो उसको आप स्वयं अपना थोड़ा बहुत मेहनत कीजिएगा, ताकि आपको और अच्छे मार्क्स मिल सके, और जितना मैं बताई हूँ वो पासिंग मार्क्स से भी बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट अगले एग्ज़ाम के साथ, एग्ज़ाम्स के आंसर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फ्रेंड्स। अगर कल जो है आपको आंसर मिलने में थोड़ा लेट हो जाए तो थोड़ा मैनेज करना, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।